हेलो फ्रेंड्स, हम इस समय कटगड़ के खेत में और बेबी और मैं आ चुके हैं गांव। ठीक लग रहा है। हाँ, बढ़िया बढ़िया। तो हेलो फ्रेंड, नमस्कार, मैं विजय चमोला अपने यूट्यूब चैनल विजय चमोला से और पहाड़ के इन खूबसूरत वादियों से। तो चलते हैं, ब्लॉग करते हैं शुरू और हम हैं इस समय ठीक अपने गांव के ऊपर में। तो आज यहाँ क्यों आए, तो बेबी भी पहुँच चुका है गांव। बेबी कुछ कहेगा? नहीं यार, मुझे वो चाहिए। क्या चाहिए? बिच्छू और कान खजूर और कोबरा। कोबरा चाहिए। तो गाँव में बेबी देखने आया बिच्छू कान खजूरा और कोबरा को, तो अभी दिखाई देगा क्या? और चैनल पे क्या करना है? सब्सक्राइब करना, शेयर करना और नहीं मिला तो डिसलाइक कर देना। क्या मिला? कुछ नहीं मिला, जीरो मिला तो कुछ मत करना। अच्छा, कुछ मत करना। तो बेबी बोल रहा है पापा मिला तो लाइक कर देना। अच्छा, और चैनल पे लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। और हम अपने गाँव में, तो अभी तो ये मिले अपने स्टूडेंट और हम जा रहे हैं नीचे गांव की ओर। तो खेत में लगाना है आज हल और होने वाला काफ़ी बेहतरीन काम। तो ये है भाई साहब और Hello। आज फिर एक बार फिर ब्लॉग में है मेरे बड़े भाई मैठाणी जी। तो चलते हैं, ब्लॉग को करते हैं कंटिन्यू। मैंने डंडा भी ले रखा है। अच्छा, डंडा ले रखा है। और जहरीला को दूर से ही पकड़ोगे इस डंडे। अच्छा, ये है गाँव का रास्ता है और वो जो नीचे दिखाई दे रहा है उस खेत में लगाना है हल। तो अभी चलते हैं उस खेत में भी जहाँ लगा। क्या लगा, क्या लग, क्या हो रखे हैं आपके? ये कितने लंबे हो गए पेड़? हाँ, दो दिन से गांव ही नहीं। चलो चलो, ये पेड़ भी रुकेगा। पेड़ रुकेगा तेरे? कितने बड़े हो गए हैं? मुझे कान खजूर सबसे पहले, मुझे इधर देख के, बस मुझे सबसे पहले ना कान खजूर ढूंढना है। सबसे पहले कान खजूर ढूंढना है? हाँ। और बिच्छू? बिच्छू भी और कोबरा। कोबरा भी? मैंने आपको क्या दिखाया? पिद्दी है, छोटा सा है। ये है ना कल खजूरा, ये वाला। तो हेलो फ्रेंड्स, ये है कटगड़ और हम पहुंच चुके हैं कटगड़ में हल लगाने के लिए। तो ये पीछे लग रहा है खेत में हल, तो अभी मैं भी लगाऊंगा हल। तो कैसे लगेगा तो जरूर बताऊंगा मैं आपको। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। बहुत बचपन में आया करते थे यहाँ और ये पूरा व्यू दिखाई दे रहा है ऐसा। अभी लग चुका है इतना हल और थोड़ा सा और लगाएंगे। उधर जो घास है वो निकाली जा रही है और इधर ऊपर है आपका गोबर, तो गोबर भी पड़ेगा खेत में। तो चल दें, ब्लॉग पर यूं ही रहेगा। तो हेलो फ्रेंड्स, पहाड़ में लगाया जाता है इस तरीके का हल। तो अब पहले हल होते थे लकड़ी के, लेकिन आजकल के जो हल हो गए हैं वो हो गए हैं एकदम लोहे के। तो ये पहले ये भी लकड़ी का होता था और ये वाला भी होता था लकड़ी का, लेकिन आजकल सब चीज़ हो गया है एकदम लोहे का। तो लोहे युगीन हो गया है, लेकिन बैल अभी भी वैसे ही, लेकिन अब ट्रैक्टर भी लगाने बैठ गए हैं छोटे छोटे। हैं भाई? हाँ, ट्रैक्टर। तो छोटे छोटे ट्रैक्टर भी लगने बैठ गए हैं, लेकिन हरिंदर भाई के पास थे बैल, तो बैल से ही लग रहा है हल। और हैं घर के बैल, घर के बैल तो छोटे से हैं। और ये नौ क्या, कबरा? हाँ, कबरा। तो हमारे भी होते थे एक कबरा और एक बुल्ला। हाँ। है ना? तो हैं तो ये, और ये सामने जो होता है इसको कहते हैं जुआ, और ये रखे जाते हैं एकदम बैलों के ऊपर से ताकि इधर उधर न जा पाए। तो ऐसे लगता है पहाड़ में हल। और मेरे साथ है चंदा भाई और उधर है हरेंद्र भाई और इधर राजू भाई। राजू भाई, तो तीन आदमी बैठे हुए हैं और इधर है बेबी। तो बेबी ढूंढ रहा है कन खजूरों को। है बेबी? तो कितने मिल गए? दो। तो दो कन खजूरों भी मिल गए। हाँ।
तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? पहली बार लगा रहे हैं हल और ये है कटगढ़ का पुंगड़ा। हाँ भाई, कटगढ़ का पुंगड़ा में जो है, कटगढ़ के पुंगड़े में लगा पहली बार हल। यहाँ अच्छा, बिच्छू और कोबरा वाला है। बिच्छू और कोबरा वाला, सब सेम ही है। चलो आओ फूल को देखो। फ्लावर, वाव कितना सुंदर सा फ्लावर है ना भाई। ये फ्लावर तो और अच्छा है, ये और भाई इसकी तो बराती है। बराती है ये देखो। ओहो फ्रेंड्स, ये है कटगढ़ का मैदान और मैं हूँ इसमें अपने गांव कणधार में। तो करने वाला हूँ खेती पूरे, अपने जितने भी खेत हैं तो लगा रहे हैं हल और लग चुका है लगभग आधा खेत हल। और हाँ, मैंने तो तीन कन खजूर बोने, तीन। तो बेबी ने उकसों को कह रहा कन खजूरा और हमने उधर आधा खेत लगा चुके हैं हल। और अभी थकान लग चुकी है और अब पियेंगे चाय। तो कैसा है ब्लॉग जरूर बताएगा। ब्लॉग होने वाला काफी इंटरेस्टिंग और है पूरा पहाड़ी, तो एकदम मजा आ गया काम करके।